हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर गुड. दिस इज़ योर 18 लेक्चर ऑफ क्लास 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये देखिए, ये कुछ हिंट्स दिए हैं पार्ट्स के बारे में. मोनीटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. ठीक है, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. जैसे देखेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स लाइक हैंड, लेग्स, ईयर्स, आईज, नोज, ब्रेन, स्टमक एट्सेट्रा. ईच पार्ट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, जैसे हमारा बॉडी एक मतलब हमारा बॉडी बना है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर, जैसे कि हैंड, लेग, ईयर, आईज, नोज, ब्रेन, स्टमक. उसी तरह से कंप्यूटर भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो ईच पार्ट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. सारे पार्ट्स का एक अपना इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है. ठीक है, जैसे देखें, ये हेड, नोज, माउथ, शोल्डर, स्टमक, ये सब जो भी दिया हुआ है. ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो ये सब का अपना एक रोल होता है. ठीक है, जैसे फुट, पैर से हम लोग चलते हैं, हाथ से खाते हैं, लिखते हैं, आँख से देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं. तो इसी तरह से कंप्यूटर का भी पार्ट होता है. ओके, तो देखेंगे, ए कंप्यूटर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. एक कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनता है. द फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मोनीटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. तो जो फोर मेन कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं उनके नाम है मोनीटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. ठीक है, ये देखें, ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, मोनीटर है, ये माउस है. ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस कंप्यूटर पार्ट्स वन बाई वन. ठीक है, तो अब हम वन बाई वन करके एक एक के बारे में सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे. ठीक है, पहला है मोनीटर. ठीक है, ये रहा मोनीटर. दिस द मोनीटर हैज़ अ स्क्रीन लाइक अ टीवी स्क्रीन. ठीक है, मोनीटर कैसा होता है? एक टीवी की तरह होता है, टीवी की तरह. ठीक है, वी कैन सी नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर, कार्टून्स एंड स्टोरीज ऑन द स्क्रीन. इस पर हम लोग नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर, कार्टून, स्टोरीज, मूवीज सब देख सकते हैं. ठीक है, ऑल द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. और भी बहुत सारे वर्क होते हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर के, उस पर हम लोग जो भी मॉनिटर पर करते हैं, जो भी हम लोग कंप्यूटर पे, वो किस पे डिस्प्ले होता है? इस मॉनिटर पर. ठीक है, ये देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. एक है CRT मॉनिटर, एक है LCD मॉनिटर. ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लीजिए, याद रखिएगा. चलिए आगे, कीबोर्ड. दिस इज़ अ कीबोर्ड. ये कीबोर्ड है. वी राइट लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन ए कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड. राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग. ठीक है, तो हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं? लेटर्स, जो भी वर्ड्स टाइप करना रहता है, ठीक है, कंप्यूटर पर लिखना होता है, वो हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए ही करते हैं टाइप. तो उसे जो हम लोग करते हैं, कीबोर्ड पर लिखते हैं जो भी, तो उसे हम लोग टाइपिंग कहते हैं. राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड टाइपिंग. जो भी हम लोग कंप्यूटर पर लिखते हैं उसे हम लोग टाइपिंग कहते हैं. नेक्स्ट है माउस. दिस इज़ अ माउस. ठीक है, ये माउस है. वी ड्रॉ ऑन अ कलर पिक्चर एंड प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ माउस. यूजिंग माउस के मदद से हम लोग कलर पिक्चर्स कलर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं. ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है CPU. ये CPU है. ठीक, द CPU इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स. इट डज ऑल द कैलकुलेशन कंप्यूटर. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. तो ये हमारा जो CPU बॉक्स है, ये CPU है, यही रहता है इस बॉक्स के अंदर. ठीक है, और ये हमारा सारा कैलकुलेशन को कंट्रोल करके रखता है और सारे वर्क्स को अपने अंदर ये सब जमा करके रखता है. ठीक है, इसलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. तो ये हो गया हमारा. तो हम लोग जान गए कि जो भी हम लोग स्टोर होता है, सब CPU ही अपने अंदर स्टोर करके रखता है. ओके, इसलिए CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फिनिश है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्कशीट करेंगे. ओके, ये वर्क को करेंगे. तब तक के लिए आप लोग चैप्टर को रीड करेंगे और उसे समझेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, लव यू एंड टेक केयर.